बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं 4K चुरंगी के पास हूँ। मेरे साथ वाटर बोर्ड हुकाम है, चीफ एग्जीक्यूटिव साहब हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, हमारे मंगलपुर टाउन के चेयरमैन हाजी नवाज रोहित साहब हैं, हमारे वाइस चेयरमैन साहब हैं, हमारे यूसी के जो चेयरमैन साहिबान हैं वो मौजूद हैं। जब मैंने वाटर बोर्ड की इंतजामिया संभाली और मैं वाटर बोर्ड आया तो मैं आए दिन सुनता था पानी चोरी के बारे में, इलीगल वाटर कनेक्शंस के बारे में। तो मैंने पहली चीज जो इंतजामिया से पूछी वो यही पूछी कि जी ये जो तयासराई की जाती है, ये जो बात की जाती है कि इलीगल वाटर कनेक्शन है, इसकी कहानी है क्या। मुझे एक मिसाल दी गई और इसी एनी के लाइन की मिसाल दी गई कि जो पानी हम छोड़ते हैं वो तकरीबन 90 से 100 MJD होता है और जो आखिर में हब की तरफ पहुंच पाता है, हमारे वेस्ट की तरफ पहुंच पाता है, वो तकरीबन कोई 10 से 12 MJD बचता है। सारा पानी रास्ते में गायब हो जाता है और वो गायब शायद इसलिए होता है कि इलीगल कनेक्शंस हैं, कहीं कुछ आबादियों ने, कुछ सोसाइटीज ने इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं, कहीं कुछ सनतों ने, कमर्शियल इदारों ने इलीगल कनेक्शन लिए हुए हैं। तो मुझे बताया गया कि तकरीबन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 270 ऐसे गैर कानूनी कनेक्शन हैं जो कि इस लाइन पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से सरकार का पानी, अवाम का पानी चोरी हो जाता है और अवाम को नहीं मिलता। इल्जाम हमारे ऊपर आते हैं तो हमने कहा जी पहला फैसला ये करते हैं कि इस लाइन को क्लियर करें। तो हर 72 रोज के अंदर इस लाइन को बंद किया जाता है। तो हमने फैसला ये किया बजाय इसके कि हम आपके कैमरे के सामने लाइन को डिस्कनेक्ट करें और बाद में लाइन को आके वापस लोग जोड़ लें, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, हमने कहा अंदरूनी काम किया जाए। तो हमने पहले फेज में जो 72 घंटे का हमें स्पेस मिला जब पानी की सप्लाई बंद थी इस लाइन पे, तो हमने 27 कनेक्शंस को डिसमेंटल कर दिया है। और मैं खुद देखने के लिए गया, मुझे हैरत होती है, 2-2 इंच के इतने मोटे कनेक्शंस किए हुए थे उन्होंने, जिससे वो हमारा पानी, आपका पानी चुराया जा रहा था और बाद में लोग ईमानदार बन जाते हैं कि गरीब को पानी नहीं मिलता लेकिन कोई इदारा, कोई सनद, कोई बड़ी सोसाइटी उस पानी को ले जाती है। तो हमने ये ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया, 27 कनेक्शंस को डिस्कनेक्ट कर दिया है और जिन जगह पे डिस्कनेक्ट कर दिया है वहां का अब एक्जीएन इंचार्ज है कि अब मजीद अगर वहां पे कोई पानी की शॉर्टफॉल नजर आएगा तो 27 जगहों के लिए जो महकमाना कार्रवाई है उस एक्जीएन के खिलाफ होगी। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि ये जो ऑपरेशन है ये पूरे 270 पे जाएगा इंशाल्लाह, ये मेरी कमिटमेंट है। पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि आईटी और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में आईटी में फर्क है, वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। आईटी को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार आईटी से बहुत चेंज आ जाएगा, क्या वो इम्पैक्ट हुआ आईटी इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपकी जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा, वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क आईटी का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो भारी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसके ऊपर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी शर्ट यहाँ बनाते हैं उसको दे देते हैं, लेकिन अब आईटी के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगों वहाँ पे भेजेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार, गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की आईटी अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।